सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती यार। किसी को इतना दुख न देगी, वो ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगी। तिरस्कार और अपनापन, बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। दिल में चाहत का होना जरूरी है, वरना याद तो दुश्मन भी करते हैं। आज का पंचांग 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि रात्रि 2:28 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:16 से 4:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 6:18 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि की दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वृश्चिक राशि 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार। दोस्तों और भाई बहनों के साथ वक्त बिताने के बाद अब अकेलेपन और अवरोध की भावना से मुक्त महसूस करेंगे। सामाजिक कार्यकलाप का मजा ले दुर्घटना या चोरी से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान रखें। स्वास्थ्य समस्याओं को आपके ध्यान की जरूरत होगी, ऐसे में डॉक्टर से मिलें और आराम करें। लोगों के साथ बातचीत आपको ऊर्जा और कौशल प्रदान कर सकती है। आराम करें और दूसरों की संगति का मजा लें। आपकी सामूहिक या संगठनात्मक गतिविधियां आपके परिवार और घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भावनाओं पर भी विश्वास नहीं कर सकते। स्थान परिवर्तन संबंधित योजना सुचारू रूप से कार्य रूप में परिणित होगी, जिससे आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में भी आपका योगदान रहेगा। इन कामों में आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर टिके रहना आवश्यक होगा। परिस्थिति थोड़ी जटिल बनेगी, लेकिन हर एक समस्या का समाधान ढूंढ पाना आपके लिए संभव हो सकता है। आर्थिक परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण नए अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी काम से जुड़े लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से बड़ी मदद प्राप्त हो सकती है। रिलेशनशिप से संबंधित जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में अभी विचार ना करें। सावधानियां। फाइनेंस संबंधित कोई भी कार्य करते समय परिवार जनों की सलाह भी अवश्य लें। पैतृक संपत्ति कोई वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए आज इससे संबंधित कार्यों को स्थगित रखें। अपने गुस्से पर भी काबू रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। साथी से दूर है तो चैट नेटवर्किंग से उसे अपने पास पा सकते हैं। इसके में छेड़खानी और सितारों की छांव में अपने भविष्य की योजना बनाने से जीवन महकने लगेगा। घरेलू समस्याओं से ना घबराएं, क्योंकि समय सब कुछ ठीक कर देता है। आज आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, क्योंकि आपका हर काम सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। अपने पुराने दोस्तों और सहयोगियों से मिलकर आप अपने सुखद अनुभव को बांटें। आपकी सामूहिक गतिविधियां आपके परिवार और घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकती है। साथी के साथ टहलना, चैट करना और छोटी छोटी बातों पर साथ में हंसना जीवन में मिठास ले आएगा। बात करते हैं करियर की। जीवन का यह चरण काफी समृद्ध है, क्योंकि आज आप धन लाभ और सफलता दोनों का मजा लेने वाले हैं। आपके चाचा या चेले चपाटे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहें। किस्मत से भरे इस चरण में अपनी आकर्षण का फायदा उठाएं, बस चोरी से सतर्क रहें। दूसरों से बातचीत आपको फिर से जीवंत और युवा महसूस करा सकती है।
आराम करें और दूसरों की कंपनी का मजा लें। इस समय अपने प्रियजनों से बढ़कर आपके लिए और कुछ भी नहीं है। लोगों की तारीफ करके आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे जीवन अच्छा और सुगम बनेगा। आज का उपाय, आज आप गरीब बुजुर्गों की सहायता करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।